Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल रेसिपी डिस्ट्रिक्ट में फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है मैथ क्लास 10th की मैथ में प्रश्नावली 6 पर डिस्कस कर रहे थे। अगर आप पिछला कांसेप्ट का वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। हम लोग पहले जो चैप्टर रहेगा जैसे 6.1, तो उसमें जितने भी नियम, पहले नियम पर चर्चा करेंगे, फिर प्रश्नावली पर आएंगे। तो हमने जो है कल, मतलब पिछले वीडियो में हमने ये बता दिया था कि हमारे समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, सर्वांशम त्रिभुज कौन से होते हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो जो हमारा पहली प्रश्नावली है, फिगर आपके बोर्ड पर भी दिखेगा और आपके पास अगर बुक हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक हमने ली हुई है और चूंकि एनसीईआरटी से ही मैं सॉल्व करवाता हूँ, बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एनसीईआरटी से ही करवाता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो हमको भरना है, क्या लिखा है, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं सर्वांशम या समरूप। तो भाई सभी वृत्त, जब हमने समरूप और सर्वांशम की परिभाषा बताई थी तो समरूप वाले में हमने बताया था कि ऐसा चीज हमारा, चाहे जो भी हो, चाहे वृत्त हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, चाहे जो भी हो, अगर उसका आकार जो है, उसका आकार अगर समान होता है तो वो हमारा समरूप त्रिभुज होता है। अब इसमें कह रहे हैं सभी वृत्त, तो देख रहे हैं ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो सबका आकार जो है समान है, मतलब सभी गोल है, आकार अलग है और माप सबकी अलग है, तो आकार समान होना चाहिए। देख रहे हैं ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो अगर आकार समान होगा तो वो हमारा समरूप त्रिभुज होगा। तो पहले बारे में हो जाएगा सभी वृत्त समरूप होते हैं। उसी प्रकार सभी वर्ग, अगर वर्ग की बात की जाए तो देखिए ये आपका वर्ग है जिसकी चारों भुजा बराबर है, ये आपका वर्ग है इसकी भी चारों भुजा बराबर है, ये आपका वर्ग है इसकी भी चारों भुजा बराबर है, मतलब आकार सबका बराबर है। आकार का मतलब चार भुजा इसमें भी है चारों बराबर है, इसमें भी चार भुजा है चारों बराबर है, इसमें भी चार भुजा है चारों बराबर है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। फिर लिखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज डॉट डॉट समरूप होते हैं। तो अब देखिए समरूप त्रिभुज कब होगा बताइए, हमने कहा कि आकार समान हो, आकार का मतलब कि अगर ये चार भुजा इसकी बराबर है तो इसकी भी चार भुजा बराबर रहनी चाहिए, इसकी भी चार भुजा बराबर रहनी चाहिए। उसी तरह त्रिभुज में अगर आप समबाहु त्रिभुज बनाए, समबाहु का मतलब क्या होगा, इसमें दो चीज दिया गया है आगे, एक समबाहु और एक समद्विबाहु, तो समबाहु त्रिभुज के मतलब कि जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, वही समबाहु त्रिभुज है। तो चूंकि हम पढ़ ही रहे हैं समरूप त्रिभुज में कि समबाहु त्रिभुज क्या होना, मतलब उस भुजा जो हो वो क्या हो, बराबर हो, इसीलिए इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, यहां पर हो जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, उसके बाद जो अगला है आपका, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट हो और उनकी संगत भुजा डॉट डॉट हो। तो देखिए समरूप त्रिभुज में हमने डेरिवेशन जब करवाया था तो कहा था कि दो त्रिभुज समरूप तभी हो सकते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, पहला चीज जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, और दूसरा चीज बताया था कि जब उनके संगत कोण बराबर हो। तो इसमें जब भरेंगे आप तो उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो यही आपका हो जाएगा पहले में बराबर और दूसरे में समानुपाती। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में के दो भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृति। अब आपको समरूप आकृति के दो उदाहरण देने हैं, तो समरूप आकृति मतलब जिसके रूप समान हो, जिसके क्या रूप समान हो, रूप समान हो। रूप समान का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये देखिए दोनों के रूप समान है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो क्या कह रहा है कि
कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो एक तो ये हो गया, दूसरा वर्ग ले लीजिए आप, ठीक, चौकोर बनाइएगा, चारों भुजा बराबर हो जाए। तो दो उदाहरण देना है, तो एक हमारा वृत्त हो गया, एक हमारा वर्ग हो गया, दोनों क्या है, समरूप है। फिर लिखा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो अब समरूप नहीं है मतलब क्या हुआ कि पहले का तो ये हो गया, पहले का ए और पहले का बी, ठीक। उसके बाद कह रहे समरूप नहीं है मतलब दूसरे का ए, ए में आप ये दोनों बना लीजिए, देखिए एक वृत्त और एक वर्ग, ये दोनों समरूप है, नहीं समरूप है। उसी तरह ये बी में ये बना लीजिए, तो एक वर्ग बना लीजिए और एक आयत बना लीजिए, तो देखिए दोनों समरूप है, नहीं समरूप। तो दो उदाहरण देना था आपको, दोनों उदाहरण हमने दे दिया। फिर तीसरे में कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप है या नहीं हमको चित्र दिया गया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एक चतुर्भुज ये दिया गया है और एक चतुर्भुज ये दिया गया है आपका, लिखा है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1.5 1.5 1.5 1.5। यहां पे चूंकि वर्ग है और वर्ग का कोण कितना होता है 90 अंश, हमने क्या कहा समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहां पे जब आप अनुपात निकालेंगे तो 1.5/3 निकालेंगे, 1.5/3 निकालेंगे, तो संगत अनुपात तो हमको बराबर मिल रहा है, लेकिन उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। यहां पे 90 अंश है लेकिन यहां पे 90 अंश किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो इसमें यही चीज लिखा जाएगा, चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है, अतः यह आकृति समरूप नहीं है। तो आज कुछ समझाने को नहीं था प्रश्नावली 6.1 में, सिर्फ आपको जो पिछला कांसेप्ट था वही कांसेप्ट ये था। तो कल जो अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 6.2 पर, तो उसमें जो है समझाने के लिए है, उसमें पूरा समझाया जाएगा। तो आप लोग इसको देखते रहिए, शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए कि सब्सक्राइब करें, और जो नहीं किए हैं वो भी कर लें, क्योंकि हम लोग आप ही के लिए परेशान रहते हैं। और आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि कौन देख रहा है, अपना नाम लिखा कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।